स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में हर बार हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है वैल्यूज़ की, जीरो से लगा करके 90 तक आप टेंथ में ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद 360 तक की आपको इलेवंथ और ट्वेल्थ में ज़रूरत पड़ती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आवश्यकता लगती है। तो आज हम उसको ईजी गोइंग, बहुत जल्दी से जल्दी और कैसे बना सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आपको जैसे पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, सबसे पहले आप साइन बनाते हो, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे जीरो डिग्री, फिर आता है 30, 45, 60 और 90, ये तो आपके टेंथ बेसिस पर आपने तैयारी की हुई है। इसको भी मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए, ये ज़ीरो से लगा करके 90 तक की पहले बात कर लेते हैं और केवल आपको बस साइन बनाना है, उसके बाद कॉस, टेन, सेक, कोसेक सभी आपको बिल्कुल इजीली बन जाएगी। जैसे साइन का टेबल बनाना हो तो उसके लिए आपको ट्रिक्स याद होगा, पहले से नाइन्थ से ही आपने सीखा हुआ है कि ज़ीरो से लगा करके अगर 90 तक बनाना है तो ज़ीरो, पिछले वीडियोस में भी हालांकि मैंने बताया था आपको, ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर तक का आपको टेबल लिखना है, ठीक है, नंबर लिखना है ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। उसके बाद में सभी में डिवाइड बाय फोर कर दीजिए और इन सब का स्क्वायर रूट लिया था, इनका जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका ज़ीरो से ला करके 90 तक का साइन होगा। जैसे ज़ीरो अपॉन फोर ज़ीरो, वन अपॉन फोर तो वन का स्क्वायर रूट वन, फोर का टू, इसको कैंसिल करने के बाद वन अपॉन टू बचेगा, वन का स्क्वायर रूट वन और जो टू बचा उसका स्क्वायर रूट रूट टू ही होगा। थ्री अपॉन फोर तो रूट थ्री और फोर का हो जाएगा टू, फोर से फोर कैंसिल होने के बाद वन बचा, वन का स्क्वायर रूट वन, यानी फाइनल अगर आप याद भी रख लें तो अच्छी बात है, अन्यथा आप ऐसे बना सकते हो ज़ीरो, फिर सेकेंड वैल्यू क्या आई, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू एंड वन, बस इतना सा आपको याद रखना, इसके बाद का बिल्कुल आराम से बना सकते हैं आप। अब इसके आगे आपको नाइन्थ की बात करते हैं और टेंथ की बात करते हैं। तो नाइन्थ टेंथ में जैसे 90 तक बनाया, उसके बाद जस्ट कॉस बना लेंगे, तो कॉस और कॉट और कोसेक ये बिल्कुल आपको जब फर्स्ट लाइन बन जाती साइन तो कॉस आराम से बन जाएगा, टेन बनाओगे तो कॉट बन जाएगा, सेक बनाओगे तो कोसेक बन जाएगा, ठीक है। यानी आपको बनाना है खास करके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, और उसमें भी अगर फर्स्ट याद है तो बाकी सब आराम से बन जाएगी। फर्स्ट बनाने के बाद इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख देंगे, इधर से ये वन, रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू और ज़ीरो, कैसे लिखा, इधर से लिखा है वन, रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू और ज़ीरो। बस साइन और कास बनने के बाद पूरा टेबल आपको इजी गोइंग 360 तक का बना सकते हो। मैं केवल साइन और कास ही बताऊँगा, फिर इसको कैसे बनाना है उसकी बाद में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो कभी कभी हम याद नहीं रख पाते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें आप चेंजेस देख रहे हैं कि पहले 30 का चेंज आया, फिर 15 का, फिर 15 का और फिर 30 का, मतलब 30, 15, 15, 30। इसको आप क्रम से याद रख लें, है ना, क्रम से, जैसे 30, 15, 15, 30, हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद रख लें 30, 15, 15, 30, उससे आपको 360 तक जाने में बड़ी आसानी रहेगी। जैसे लंबा रास्ता रहता है ना, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं आप, अब वैष्णो देवी की यात्रा कोई सरल नहीं होती है, पर जोश भर जाता है, जय माता दी करते हुए जाते हैं ना, तो बड़ा रिलैक्स मोड में जोश के साथ में पहुंच जाते हैं। इसमें भी आपको 360 तक की यात्रा करना है तो आपको जय माता दी की बजाय 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30 ऐसे आपको बोलते हुए 360 तक पहुँचना है। कैसे, जैसे पहली बार 30 जोड़ना है, इसको देखिए मैं आपको 360 तक की बात करता हूँ। 30 जोड़ोगे इसमें ये 120, फिर 15 जोड़िए 135, फिर 15 जोड़ेंगे 150 और फिर 30 जोड़ेंगे, क्या बताया था मैंने, 30, 15, 15, 30, जय माता जी करना है। तो एक विश्राम तो आपने यहाँ लिया, ये एक विश्राम था आपका, ब्रेक हुआ था यहाँ, उसके बाद फिर 30 जोड़ा, फिर 15, 15, 30, एक ब्रेक फिर से हो गया, एक बार और उठें, फिर से वही आपको 30, 15, 15, 30 बोलना है। इसमें 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 210,
फिर 15 जोड़ेंगे 225, फिर 15 जोड़ेंगे 240, और फिर 30 जोड़ेंगे तो 300। इस प्रकार से फिर से एक ब्रेक हो गया। फिर से देखते हैं 30, 15, 15 और 30 यानी 270। ये आपका एक ब्रेक 270 पे होगा। अगर बीच में आपको जैसे अभी मैंने 300 लिख दिया था तो आपको डाउट क्रिएट हो, तो सबसे बढ़िया बात 90 पे ब्रेक होगा, 180 पे होगा और 270 पे होगा। फिर एक बार उठे, एक बार और चलते हैं 30, 15, 15, 30 यानी 30 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 15 और ये लास्ट में आपको 360 पर जाके आपका लाइन ख़त्म हो जाएगा यानी कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तीन ब्रेक देखे आपने। अब मैं केवल आपको साइन का वैल्यू बनाते सिखाता हूँ और साइन बनते से आपकी पूरी टेबल रेडी हो जाएगी। देखिए केवल साइन बनाना आपको, साइन की भी अगर 90 तक का वैल्यू जिसको हमने जीरो से लगा करके तो 4 तक नंबर लिखने के बाद ही बना लिया था। ये देखिए देखिए बड़ी आसानी से बनेगा। यहाँ पर आपने देखा था ये तो बन चुका है। अब आपके पास यहाँ तीन गैप होता है, एक गैप तो आपका 90 से लगा करके 180 तक का है, दूसरा गैप 180 से 270 और तीसरा गैप है 360 तक का। तीन गैप में आपको इस गैप में याद रखना है यहाँ पर सेम, इस गैप में क्या याद रखेंगे सेम। दूसरे गैप में आपको 180 से लगा करके तो इस गैप में चेंज, ये चेंज करना है, और 270 से लगा करके 360 तक के टेबल में आपको क्या याद रखना है सेम। क्या बताया आपको, तीन गैप है 90, 180, 270 और 360 के बीच में तीन गैप है। पहले गैप में आपको याद रखना सेम, दूसरे में चेंज, तीसरे में सेम। देखिए आप कैसे इसका यूज़ करेंगे, आप केवल साइन पे ध्यान देंगे, ये जो रूल्स बनाए केवल साइन के लिए हैं। तो साइन में आप जो भी बनाएंगे इसका वैल्यू बनेगा सेम करने से। जैसे मान लिया जाए मुझे ये बनाना है, तो यहाँ पर मैंने हाथ रखा इसको 90 के लिए, अब जो भी कहना आपको सेम बोलना है। जैसे कोर्ट में जाते हैं ना तो हम कहते हैं जो कहूँगा आप सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे आपको यहाँ पर भी हाथ रख के बोलना है कि जो कहूँगा, सेम के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, परंतु पीछे देख के कहूँगा। ठीक है, अब आपने इसको हटाया, यहाँ पीछे देख करके वैल्यू को आगे बढ़ा दीजिए। आप बोले इसको यहाँ से क्या बचा, रूट 3/2, देन 1/√2, 1/2 और 0। देखिए आप 180 पे आ गए। फिर से यहाँ पे हाथ रखें और फिर बोलना है कि जो कहेंगे चेंज करके बोलेंगे पीछे वाली वैल्यू को, मीन्स प्लस है तो माइनस बोलेंगे और माइनस है तो प्लस। तो ये वैल्यू आपने हटाया, बचा क्या 1/2, बट माइनस बोलना है क्योंकि चेंज करके बोलना है, -1/√2, -√3/2 और -1। ठीक है, फिर से समझा, 90 तक का बना ही लिया था आपने। उसके बाद अगले इस कॉलम के वैल्यू बनाने के लिए सेम रिपीट करना है, इसको हटाते हुए हाइट करना है, इसको छिपाना है और ये रिपीट कर दिया। सेम का मतलब ये है, यहाँ पहुँच गए, फिर इसको हाइट किया और जो कहेंगे वो चेंज करके बोलेंगे, 1/2 था माइनस लिखा, 1/√2 था -1/2, ऐसे वहाँ तक पहुँच गए। और लास्ट फिर से इसको हाइट किया और जो है उसको सेम बोलेंगे, यहाँ आकर के फिर से सेम लिखेंगे, -√3/2, -1/√2, -1/2 और लास्ट में आ जाए 0। बड़े इजी गोइंग आप बना सकते हैं, केवल मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप बना सकेंगे इसको। तो 0 से 90 बनाओ, फिर उसके बाद ये तीन चेंजेस याद रखना है। और ख़ास करके इसमें भी ये देखो, आपको ये आइडिया भी इसलिए दिया आपको कि इसमें बहुत सारे बच्चे कभी 15 का डिफरेंस रख लेते और कभी 30 का, एक बार भी अगर डिसऑर्डर हुआ तो पता चला कि 360 से आगे निकल गया फिर पीछे रह गए। इसलिए आपको जो 30 15 15 30 का नियम दिया है वो भी हमारे अनुभव के आधार पर बहुत ज़रूरी नियम है, उसको भी समझना। अब 0 से 0 टच हो गया, जैसे हमने यहाँ रिपीट किया था इस प्रकार से रिवर्सिंग है, वहाँ से भी रिवर्सिंग कर दीजिए साइन का, 0 से 0 हो चुका है, उधर से रिपीट कर दीजिए आप वैल्यू को, ये आपका कास्ट कंप्लीट हो जाएगा, -1/√2, ठीक है, -√3/2, -1, यहाँ तक आ गए, -√3/2, -1/√2, -1/2, देन 0, यहाँ तक आ चुके हैं, फिर 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट 1। ठीक है, ये आपने साइन और कास्ट बना लिए। आपको पता है टेन बनाना बहुत आसान है, अगर टेन बनाना है तो आपको टेन थीटा का फार्मूला सभी को याद है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड को जस्ट आप मान लीजिए मुझे अभी टेन में 150 बनाना है, तो आपको बिल्कुल टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
टेन 150 बना, 2 से 2 कैंसिल करिए, 1 अपॉन रूट थ्री माइनस का, माइनस 1 बाय रूट थ्री। मान लिया जाए मुझे कॉट बनाना है, तो कॉट का फॉर्मूला भी आपको याद है। कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मान लो मुझे कॉट 240 बनाना है, तो कॉट 240 बनाया, इसके अपॉन में किया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन रूट थ्री, इस टाइप से बन जाएगा। एक बात और याद रखना आपको कि 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन 1 आया तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बट अगर 1 अपॉन 0 आया तो फिर आपको विशेष रूप से याद रखना है इट इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं आप, कहीं भी ज़रूरत लगे तो इसका विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद में आता है सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। मीन्स जब भी आप सेक बनाएं तो कॉस के वैल्यू को जस्ट आप रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। जैसे मान लिया जाए मुझे कॉस में 225 चाहिए, इसमें सेक में, तो सेक का अगर 225 चाहिए तो आप कॉस में जाएंगे, माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। सेक में अगर मुझे 240 चाहिए, माइनस टू हो जाएगा। सेक में अगर 270 चाहिए तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी सेक थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक, कोसेक बनाने के लिए आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। यानी मान लिया जाए मुझे कोसेक का 315 चाहिए, 315 का चाहिए वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस रूट टू। कोसेक में मुझे अगर 330 चाहिए, माइनस टू। कोसेक में 360 चाहिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक में 150 चाहिए, टू कर दीजिए आप। यानी कोसेक का वैल्यू भी आपको याद नहीं रखना है। मीन्स केवल अगर ओवरऑल देखें हम तो साइन के 90 तक की वैल्यू अगर याद है तो हमने इसके बाद ये रिपीटेशन से किया, उसके बाद कास पूरा रिवर्सिंग ऑर्डर से किया और बाकी सब वैल्यू रेडी हो जाएगी। ये बहुत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन में काम आएगी, पूरे 11th की ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी और 12th में, 10th में, हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए इस टेबल को बार बार आप प्रैक्टिस करें। ओके, नोट डाउन, थैंक यू।